नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। आपको सबको पता होगा दोस्तों, कल ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट यानी परीक्षा तिथि में जो बहुत दिन से इंतजार था, तो इंतजार आपका कल खत्म हो चुका है। आपकी जो परीक्षा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है, वो आपकी मई में लगने वाली है। कितनी तारीख से स्टार्ट होने जाने वाली दोस्तों? 13, 14, 15 और 16 मई, 4 दिन तक आपकी हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम लगने वाली है। तो जिन्होंने दोस्तों 1 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो दोस्तों 1 से ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि 4 दिन तक एग्जाम वो चलने वाली है। अब लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह निकल के आ रहा है कि हम तैयारी किस प्रकार से करें। बहुत मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि अब 60 से 65 दिन बचे हैं, तो 65 दिन में हम तैयारी किस प्रकार करें, और यदि हम आज से भी तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो उसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं कि आखिर आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि दोस्तों बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू नहीं करी है, उनको अभी सिलेबस के बारे में पता नहीं है। तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पे दोस्तों पहली बार हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए अभी आपके पास 65 दिन का समय है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अभी आप तैयारी करोगे ना तो सिलेक्शन लेके जाओगे। बहुत का कमेंट ये भी आता है कि मेरी थोड़ी बहुत तो तैयारी है, लेकिन मैं आज से थोड़ा ज्यादा पढ़ू तो क्या मैं पेपर को निकाल सकता हूँ? बिल्कुल दोस्तों, 2 महीने से ज्यादा आपके पास समय है। यदि आप आज से भी तैयारी करते हो, और यदि आपने पहले थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है, तो आप पेपर को क्लियर कर जाओगे, पेपर को आराम से फाइट कर जाओगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हमको रणनीति बताओ, हमको टाइम टेबल बताओ कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज शाम को आपको वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो शाम को वीडियो बनने वाली है। मैं आपके लिए एक रणनीति लेकर आ रहा हूं 65 दिन की, कि आपको 60 दिन में तैयारी कैसे करनी है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसको दोस्तों वीडियो को आप पूरी देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, और आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। रणनीति ध्यान से सुन लेना, एक सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आप कम भी पढ़ोगे ना तब भी आप सिलेक्शन ले जाओगे, लेकिन रणनीति आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा युद्ध को जीतने के लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग की जरूरत पड़ती है, रणनीति की जरूरत पड़ती है। तो आपको रणनीति से मैदान में उतरना है तो सिलेक्शन जरूर लेके जाओगे। तो शाम को वीडियो मिलेगी ना, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि 60 दिन की रणनीति आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा पढ़ने का, वो आपको मैं आज शाम को वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैं आज की वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही है कि दोस्तों सबसे बड़ा सिलेक्शन लेने का एक ही दोस्तों रामबाण तरीका है, वो तरीका है पुस्तक है। अब दोस्तों आपके पास 60-65 दिन का समय बचा है, तो यूट्यूब पर या मोबाइल पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। वापस से बोल रहा हूं, बहुत ये सोच रहे ना कि मैं यूट्यूब पे 5 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, सिलेक्शन ले जाऊंगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यूट्यूब पर सिर्फ आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके समझ में नहीं आते, आपके क्लियर नहीं है। वो जो टॉपिक आपके समझ में आते हैं, जो टॉपिक क्लियर है, पहले जो टॉपिक पढ़ रखे हैं, उनके लिए यूट्यूब पर समय बर्बाद मत करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें 1 से 2 घंटा लगा देंगे वहां पर, और यदि आप बुक से पढ़ोगे ना तो आराम से दोस्तों 15 से 20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देकर बताऊं, यदि आप दोस्तों राज संबंध झील पढ़ोगे ना बुक के अंदर से, तो वो 15 मिनट में क्लियर हो जाएगी, और यदि आप कोई भी YouTube पे जाके पढ़ोगे, कोई भी चैनल मान लो जहां से जाके पढ़ोगे, तो वो आपका 1 से 1.5 घंटा खराब कर देगा। तो अब दोस्तों समय नहीं है समय खराब करने का, तो आपको तैयारी करनी है वो किताबों से करनी है, बुक पढ़नी है, जितना हो सके किताबों से प्यार करो, सिर्फ सिलेक्शन किताबें दिला सकती हैं। YouTube पर या मोबाइल पर अपना समय बर्बाद मत करो। तो दोस्तों शाम को वीडियो आपको जरूर देखनी है कि तैयारी किस प्रकार से करनी है, 60 दिन की दोस्तों रणनीति सिलेक्शन लेने के लिए, वो वीडियो आप जरूर देखना। और आपको पता सबको चली गया होगा कि परीक्षा तिथि आ चुकी है 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई, मतलब कि 4 दिन तक आपकी परीक्षा है वो चलने वाली है। अभी आपके पास बहुत समय है, तैयारी आज से भी करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, YouTube पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो, ज्यादा दोस्तों वीडियो मत देखो, फालतू की वीडियो मत देखो, किताबों से प्यार करो, जितना हो सके किताबें पढ़े। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, कंप्यूटर और महिला बाल अपराध पे ज्यादा ध्यान दो। ज्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, बिल्कुल नहीं, राजस्थान जीके के नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी बच्चे करेंगे, लेकिन कंप्यूटर महिला बाल अपराध है ना, यही मात खवाएगा दोस्तों। तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लेना पूरी तरह से। और शाम को बताने वाला हूं, आज शाम को वीडियो मिलेगी उसमें, कि आपको कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, महिला बाल अपराध में धारा किस प्रकार से याद करनी है, सभी आपको शाम की वीडियो में मिलने वाली है। तो शाम की वीडियो आप जरूर देखना।
धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।